फ्रेंड्स, आप सभी के अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम GCERT 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3, 10 नंबर से देखेंगे और बाकी का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 10 नंबर का सवाल है, बताइए। ठीक ना, ए नंबर है, देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 0। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। जैसे अगर शून्य को हम लोग यहाँ पर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके नीचे एक छिपा हुआ है तो 1/0, 1/0 कोई भी संख्या नहीं है। ठीक ना, ये अपरिभाषित है, इसीलिए कहा जाता है कि 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। अब देखिए आगे, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और -1। दो ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम समान है, मतलब देखिए एक है, एक का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1 बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, व्युत्क्रम लिखेंगे तो नीचे का ऊपर का नीचे हो जाता है, फिर से 1/1 मतलब एक ही आएगा। उसी तरह -1 के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, यहां पर अगर माइनस रहेगा तो फिर देखिए माइनस यही आएगा, उसके बाद यहां पर -1, शुरू में -1 था, बाद में -1 ही रहेगा, तो 1 और -1 का व्युत्क्रम समान होता है। अब देखिए आगे, सी नंबर, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक ना, अगर देखिए 0 और हम लोग अगर कहीं पर -0 लिखते हैं तो भी इसका मतलब क्या है, 0 ही है। ठीक ना, 0 लिखे या -0 लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है उसका आंसर हो जाएगा 0। अब बढ़ते हैं हम लोग डी नंबर पर। डी नंबर का सवाल है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। परिमेय संख्याएं भाग के संवृत्त नहीं होता है। अब देखिए आगे, ई नंबर, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमेय है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा नहीं। परिमेय संख्या अपने भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमेय नहीं होता है। अब देखिए आगे, एफ नंबर, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा नहीं। भाग के साथ देखिए हम लोग गुना के साथ और जोड़ के साथ, ठीक ना, ये दोनों के साथ सहचर भी कर सकते हैं, क्रम विनिमय भी कर सकते हैं, लेकिन भाग के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर लिखा गया है भाग के साथ, यहाँ देखिए भाग, और यहाँ भी लिखा गया है भाग, तो भाग के साथ ना तो साहचर्य होता है, ना ही क्रम विनिमय होता है, और ना ही संवृत्त होता है। अगर आपको क्रम विनिमय समझ में नहीं आ रहा है, साहचर्य नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे प्लेलिस्ट पर एक इसका सेपरेट अच्छी तरीके से वीडियो बनाया हूं मैं कि साहचर्य का नियम और ये क्रम विनिमय का नियम क्या है, वो देखिए क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी नंबर, जी नंबर का सवाल है, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। कैसे, देखिए यहां पर अब मैं कर रहा हूं, 0 से अगर हम लोग 1 को भाग देंगे, क्लियर है, तो देखिए 0 का पहाड़ा में कभी 1 आएगा, कभी आएगा ही नहीं, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 0, फिर 0 लिख सकते हैं, फिर माइनस या करेंगे तो 1 बचेगा, फिर इसी तरह हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यहां पर 1 को भाग देना है 0 से, हम लोग यहाँ 2 भी रख सकते हैं, 0 × 0 फिर -1, उसी तरह यहाँ पर हम लोग फिर से भाग दे सकते हैं 0 से 1 को, तो यहाँ पर हम लोग 3 भी रख सकते हैं, 0 × 0 फिर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इस तरह ये परिभाषित है ही नहीं। ठीक ना, हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, आंसर कुछ भी आएगा, मतलब कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अमान्य मानते हैं। ठीक ना, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग 0 से 1 को भाग नहीं दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर का सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। ए नंबर है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, तो शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, हम लोग 10 नंबर में भी देखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, मतलब कुछ भी संख्या नहीं है शून्य का व्युत्क्रम। अब देखिए बी नंबर, संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम होता है, तो यह भी हम लोग 10 नंबर में ही देखे, बी नंबर में यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा -1, इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, या फिर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो यह स्वयं ही आएगा। फिर देखिए सी नंबर,
परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल खालिस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ठीक ना, वन, मतलब कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल वन होता है। अब देखिए आगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ये हो गया इसका आंसर। मतलब दो परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, मतलब दो बटे दो को हम लोग तीन बटे दो से गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा परिमेय संख्या ही होगा। अब बढ़ते हैं अगला ई नंबर पर। ई नंबर का सवाल देखिए, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खालिस्थान होता है। तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा, धनात्मक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं एफ नंबर, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या व्युत्क्रम खालिस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक का परिमेय, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक ही होगा। हम लोग लिखते हैं ऋणात्मक। फिर बढ़ते हैं अगला जी नंबर पर, वन बाय एक्स, जहां पर एक्स जीरो के बराबर ना हो, ठीक ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए व्युत्क्रम में हम लोग बस पलट देते हैं, एक बटे दो का व्युत्क्रम क्या होता है, दो बटे एक, क्लियर है इतना बस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, इसके नीचे तो एक छिपा हुआ है, ये है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं एच नंबर पर। एच नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन खालिस्थान है। देखिए कोई भी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन संभव नहीं है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये हम लोग 10 नंबर का जी नंबर में भी देखे थे कि कोई भी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन नहीं हो सकता है। उसका क्वेश्चन था क्या हम एक को जीरो से भाग कर सकते हैं, तो इसका आंसर वहां पर हम लोग नहीं लिखे थे और यहां पर भी संभव ही नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग। देखिए जीरो से किसी को भी अगर भाग दे, मान के चले एक या दो, दो लिखा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग एक भी लिख सकते हैं, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस कुछ भी लिखे, यहाँ तो जीरो ही आएगा और शेष हमेशा दो बचेगा, मतलब भागफल कभी भी फिक्स नहीं रहता है कि क्या आएगा, इसलिए संभव नहीं है भाग देना, ठीक ना, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर का सवाल है उत्तर दीजिए। ए नंबर है, क्या माइनस एक पूर्णांक एक बटे आठ का गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटे नौ है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए हम लोग बस इसको सॉल्व कर देते हैं, क्यों नहीं और क्यों हाँ, इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है माइनस एक पूर्णांक एक बटे आठ, इसका हम लोग को क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक ना। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, तो उस पर इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए आठ एक आठ, ठीक ना, माइनस आठ हो जाएगा, माइनस आठ उसके बाद ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, जोड़ एक बटे आठ, इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, माइनस सात बटे आठ। गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि हम लोग अंश का हर कर देते हैं और हर का अंश कर देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं माइनस सात बटे आठ का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, इसका क्या हो जाएगा, आठ ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा सात, लेकिन यहां पर देखिए माइनस है, माइनस का हम लोग ऊपर ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस आठ बटे सात ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आठ बटे नौ, तो इस तरह ये गलत हो जाएगा, क्लियर है। और देखिए यहां पर पूछा गया है क्यों अथवा क्यों नहीं, इसका आंसर इसी में है, अगर आप इसको बनाइएगा तो बस हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं बी नंबर पर। बी नंबर का सवाल है क्या तीन पूर्णांक एक बटे तीन का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, इसको भी सोल्व करते हैं। चलिए तीन पूर्णांक एक बटे तीन बराबर, इसको सोल्व करेंगे, तीन तिया नौ और नौ में जोड़ देंगे तो हो जाएगा दस, दस बटे तीन। हम लोग इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, देखिए जो यहां पर अंश का हर कर देंगे, हर का अंश कर देंगे, तो पलट देंगे
तीन ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। इसको फिर सॉल्व करते हम लोग, तो देखिए हम लोग अगर 10 से भाग देंगे 3 को, यहां पर मैं 10 से भाग दे रहा हूं 3 को, तो देखिए यहां पर एक दशमलव लगेगा, फिर यहां पर 0, फिर 10 दिया 30, कैंसल हो गया, क्लियर है। तो हमारे पास 0.3 आया है, इसको लिख सकते हैं 0.3। देखिए यहां पर 0.3 है, यहां भी 0.3 है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे फाइनल, यहां पर हाँ लिख देते हैं यहां पर नीचे हाँ, और इसका हम लोग नहीं लिख देते हैं नहीं, क्लियर है। यहां पर नहीं हुआ था और यहां पर हाँ हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सी नंबर पर। सी नंबर का सवाल है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग लिखेंगे यहां पर देखिए 0.4, ठीक ना, इसका व्युत्क्रम करते हैं। अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, 1/0.4, फिर दशमलव को हटाएंगे हम लोग, तो अगला स्टेप में लिख सकते हैं ऊपर एक जीरो चला जाएगा और नीचे 4, इसको काटेंगे हम लोग 2 से, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, हमारे पास आ गया है 5/2। देखिए 5/2 है, यहाँ पे 5/2 है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं डी नंबर। डी नंबर का सवाल देखिए, 6/13 और -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसका ये दोनों का व्युत्क्रम से गुना करना है, ठीक ना, व्युत्क्रम मतलब बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है हम लोग को। तो चलिए बनाते हैं 6/13, ठीक ना, इसको गुना करना है किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से, तो 16 को ऊपर ले जाएंगे और नीचे आ जाएगा -7, क्लियर है इतना। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए 16 × 96 / 13 = 91, यहां पर माइनस से माइनस, ठीक ना, इसको हम लोग अगला स्टेप में लिख सकते हैं, माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, तो हो जाएगा -96/91, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग ई नंबर पर। ई नंबर का सवाल देखिए, 5/7 + 2/7 × 5 का मान ज्ञात कीजिए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5/7 + 2/7 × 5, अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले नीचे नीचे का 7 हो जाएगा और ऊपर का 5 + 2 ब्रैकेट, फिर गुना ये वाला 5, क्लियर है। फिर और सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/7 × 5, यहां पर वाला 5, और ये 7 और ये 7 कट जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा, तो इस प्रकार 5 इसका हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला एफ नंबर पर। एफ नंबर का सवाल देखिए, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्लियर है। और देखिए अपरिभाषित क्यों हुआ है, मैं कई बार बता चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, यहां पर देखिए किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग देंगे, तो यहां पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिखेंगे, सब मतलब फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक ना, इसलिए इसका हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग 1.3 का 10, 11 और 12 कंप्लीट किया। अगर कहीं पर दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।